वहीं रख दो, वहीं रख दो ना, आज नहीं खाने का मन खाता है सर। ये बेसिकली ये बिस्किट दिए तो नहीं लिया ये, पर जैसे कोई भी पॉलिथीन का आवाज आता है, देखिए इसको अब चना दिया जा रहा है, इसके लिए रोज का एक पैकेट चना ये यूज करता है। अच्छा अब ये भी देखना होता है, देखिए इसको बिस्किट दिए नहीं खाया ये, और अब ये चना भी नहीं खाया, तो इसका मतलब दूसरा जुगाड़ इसका देखना होगा। हमें समझना होता है कि ये क्या मांग रहा है, जैसे देखिए बिस्किट नहीं लिया, चना नहीं लिया, अब देखिए ये कुछ और है। ओहो, तो ये समझने वाली बात है। अब मॉर्निंग में देखिए इसको मेथी का साग दिया गया है, और मेथी का साग ये कितना प्यार से खा रहा है, देखिए और कितना पिकअप में खा रहा है, और फर्श में इसका पैर भी देखिए स्लिप कर रहा है। और अभी क्या है कि कभी कभी ये मॉर्निंग में बिस्किट लेता है, थोड़ा मूडी है ये, इसका मन कुछ पता नहीं, तो वाइफ जैसे इसको बिस्किट दी, तो कभी कभी बिस्किट का बहुत दीवाना रहता है, फिर कभी चना का। अब ये चीज मेरी वाइफ को ही पता है, जैसे बिस्किट नहीं लिए, चना नहीं लिए, तब इसको मेथी का साग मिला, तो आज ये मेथी का साग खा रहा, इसके बाद क्या डिमांड करेगा नहीं पता। तो हम लोगों को ये समझना होता है कि एक एनिमल्स जिसको आपने बहुत प्यार से रखा है, वाइफ का अटैचमेंट इसके साथ ज्यादा रहता है, और माँ समझती है ना बच्चे को क्या चाहिए, इस तरह वाइफ को भी देखिए पता होता है कि अब ये क्या मांग रहा है। और एकदम सुबह सुबह ये उठ के सबके बिस्तर में इतना जंप करता है, इतना जंप करता है, ये देखिए सारा ये खा चुका, अब ये कुछ और मांग रहा है। अब क्या चाहिए तुम्हें बच्चा, अब क्या लोगे? अब देखिए अब ये बिस्किट खा रहा है, आज ये मॉर्निंग में मतलब ये सिर्फ साग वगैरह खाने का मूड, और इसको मैं नजदीक से दिखाता हूँ ये कैसे खा रहा है। ये देखिए बुग्गो, आज ये तुम मेथी खाने का मूड में है, और इतना पिकअप में आज बिस्किट चना नहीं, ये देखिए आज कैसे चना को ये अपने पैरों से इधर फेंक दिया है, मतलब इसको मूड नहीं आज चना खाने का। ये देखो आज बिस्किट चना नहीं, तो इसका मतलब हमें ये ध्यान रखना होगा कि फ्राइडे को ये खाता है सुबह सुबह साग पत्ते, गोभी के पत्ते, और रात में इसको एक आलू चाहिए ताकि पूरा बॉडी इसका हीट रहे सर्दी में। और एक आलू भी कैसे ये खाता है, इसको पूरा छोटी छोटी काट के घीस के, जैसे हम लोग कद्दूकस करते हैं, ये देखिए पूरा ये खा गया। अब ये देखिए कैसे साग के लिए ये कैसे, ये देखिए ऐसा ये करता है कि बड़ा, ये देखिए ठीक है, अच्छा ऐसे चुनना है, ऐसे चुनना है, अच्छा।
लाओ मुझे दो, अब ये मेरे हाथों से खाएगा। अच्छा बुग्गो आ जाओ, कम होता तो बहुत प्यारा जानवर है, और इसके साथ हम लोगों का वैसा लगाव भी हो गया है, और ये रोज मॉर्निंग में मेरे बिस्तर में, वाइफ के बिस्तर में ऐसा जंप करता है और खूब खेलेगा। और खेलने का मतलब ये है, ये बताना चाहता है कि देखिए हम कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, है ना। तो ये आज था बुग्गू का मॉर्निंग वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। ये देखिए कैमरा में आ रहा है ये। और चाहिए बच्चा, इसे लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। अगर रैबिट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और एक भाई ने मुझे वीडियो में कमेंट किए थे कि क्या सर्दी में हम अपने रैबिट को, अपने खरगोश को नहला सकते हैं। तो देखिए सर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं नहलाना चाहिए। सर्दियों में आप इन्हें सिर्फ एक भींगा कपड़ा से इनको सफाई कर सकते हैं, और कान में इसके बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डेरिक ब्लॉग। थैंक यू सो मच ऑल लविंग गाइस। बुग्गो बाय कर दो सभी को, चलो आ जाओ बाय।